ओके आ गए अपन अब 85 की स्पीड पे ना। अब एक बार हैंडल छोड़ता हूँ। वो ओ ओ ओ ओ वॉबलिंग वॉबलिंग भयंकर वॉबलिंग भयंकर वॉबलिंग। पीछे वाला टायर तो हो गया सेट भाई, वैसे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, पर एक चैलेंज ये लग रहा है मुझे कि ये जो है ना इसका मड फ्लैग ये हल्का इस पर टच हो रहा है। टायर चेंज होने के बाद भी इसमें वॉबलिंग हो रही है या नहीं हो रही ये अभी हमें अपने फाइनल टेस्टिंग में पता चल जाएगा। चलो भाई लोग चलते हैं करोल बाग और अपने ट्रिप के बारे में जरा डिस्कशन हो जाए। लेकिन हाँ ट्रिप के बारे में डिस्कशन करने से पहले यार एक चीज और दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा बाइक अपन थोड़ा सा तेज चलाते हैं अभी। ओके आ गए अपन अब 85 की स्पीड पे ना। अब एक बार हैंडल छोड़ता हूँ। वो ओ ओ ओ ओ वॉबलिंग वॉबलिंग भयंकर वॉबलिंग भयंकर वॉबलिंग। तो फिलहाल में ना यार ये चीज होने लगी है, बोले तो जैसे बाइक अपनी पुरानी हुई है उसके बाद थोड़ी वॉबलिंग बढ़ गई है। अभी मैं अकेला हूँ बिल्कुल, कोई भी पिलियन राइडर नहीं है, बस मैंने एक बैग टांग रखा है। पहले जब वॉबलिंग करती थी तो टॉप बॉक्स लगा होता था ओनली तब वॉबलिंग करती थी, अब क्या है कि मैं अकेला भी होता हूँ तब ये वॉबलिंग करती है। तो मुझे तो इसका रीजन अभी तो फिलहाल ये लग रहा है कि इसके टायर्स हो गए पुराने। आगे वाला टायर तो ज्यादा पुराना नहीं है, पीछे वाला टायर अराउंड 26,000 किलोमीटर बाइक चल चुकी है ना, तो इतना पुराना हो गया है, 3-1 पंचर है उसमें, वो एक रीजन हो सकता है। इन एनी केस मेरे को पीछे वाला टायर तो चेंज कराना ही है। आगे वाला जो टायर है वो 8,000 किलोमीटर ही चला है, लेकिन उसके साथ क्या है कि वो उन्होंने उल्टी डायरेक्शन में लगा दिया था सर्विस सेंटर वालों ने गलती से। जब मैं टायर चेंज कराऊंगा तो इसकी भी डायरेक्शन ठीक कराऊंगा और पीछे वाला टायर जब चेंज करा लूंगा तो हो सकता है उससे फर्क पड़ जाए। एनीवेज ये बातें मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा इस बाइक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो वॉबलिंग को लेकर आता है। एंड अभी तक मुझे ये तसल्ली थी कि ये वॉबलिंग नहीं करती, पर अब ये वॉबलिंग कर रही है, क्या रीजन है वो फाइंड आउट करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे अपने करोल बाग के रास्ते में, क्योंकि अपने को कुछ 2-4 चीजें लेनी है, जैसे कि अपने को राइडिंग जैकेट राइडिंग पैंट। चलो भाई फाइनली अपन पहुंच गए चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स। ये देखो यार ये बाइक कितनी जानदार लग रही है, बड़ा टॉल स्टांस है 250cc, लेकिन काफी बड़ी लग रही है बाइक। मेरे को ना जैकेट वगैरह देखनी है, किस रेंज से स्टार्ट है? अराउंड 3500 ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं। हम आपको मल्टीपल ब्रांड्स दे देंगे, बाइकिंग ब्रदरहुड राइनो कार में का मिल जाएगा, सोलेस मिल जाएगा, रॉयल एनफील्ड के मिल जाएंगे। जो वैल्यू फॉर मनी हो वो बेस्ट कौन सा रहेगा? मेरे को थोड़ा मैश में चाहिए क्योंकि गर्मी के कारण बड़ी दिक्कत होती है, और इसमें रेन लाइनर ना हो चलेगा, विंटर लाइनर ना हो चलेगा? हमारा ना एक्चुअली वेयर हाउस है। अच्छा, वहाँ वेयर हाउस में आपको मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल है, तो हमारा लड़का साथ जाएगा आपको स्टोर में ले जाके सारा पूरा दिखाएगा। ठीक है, ऑल राइडिंग गियर्स ऑल टूरिंग बॉक्सेस बैग्स एवरीथिंग अवेलेबल। ठीक है। लो भाजी ये जैकेट भी अपनी धुल के तैयार है एकदम। थोड़ा सा इसका कलर वलर ना उड़ गया है, पुरानी हो गई है ना। और रही बाइक की वॉबलिंग की बात यार, उसको भी चेक कराने चलेंगे आज। अपन ने अब नई ट्रिप की तैयारी एकदम फुल हो गई है, मतलब अब मैं परसों निकल जाऊंगा यहाँ से। बाइक की वॉबलिंग वगैरह के लिए अपन नया टायर देखते हैं, नया डलवाना है या कैसे करना है वो वहीं चल के पता चलेगा। फिलहाल आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ये जैकेट और इसके साथ आ गई अपने पास एक बढ़िया राइडर पैंट। कल अपन गए थे करोल बाग, ऑल्दो उसका व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया, तो चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स पे अपन ने एक बढ़िया राइडर पैंट ले ली, ये टैंक बैग ले लिया गार्जियन गियर्स का। ये मेरे को ना स्पेशली काफी अच्छी क्वालिटी का लगा, ऑल्दो पैंट भी अच्छी है बायसन। एक बार इसको पहन के बताता हूँ कि मेरे को इसमें क्या खासियत लग रही है। ऑलराइट भाई जी, तो ये हो गई अपनी राइडिंग पैंट। एक्चुअली क्या है कि मेरे को चाहिए था कि यार मैं कम से कम ना उसमें कंफर्टेबल फील करूं, तो ये जो पैंट है ये है बायसन की। मैंने वहां पे ये पहन के कम से कम भी 1 घंटा और बाकी सारी चीजें देखता रहा, तो मुझे लगा कि हाँ यार ये ठीक ठाक कंफर्टेबल है। इसका जो गार्ड है वो यहाँ पे है, लेवल 2 सिक्योरिटी है, और इसके अलावा ये साइड में यहाँ से लेकर यहाँ तक का गार्ड है, पीछे इसका कोई गार्ड नहीं है। राइनॉक्स वगैरह की जो पैंट होती है ना, शायद वहाँ पे पीछे यहाँ पे गार्ड लगाने का ऑप्शन होता है। ये इसकी पॉकेट हो गई। तो फाइनली अपने ट्रिप पे जाने से पहले एक बड़ा काम हुआ, काफी टाइम से मैं ना राइडिंग पैंट लेने की सोच रहा था। इवन पहले 3-4 बार मैंने ट्राई किया है, लेकिन ना मेरे को वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था कि ये इतनी कंफर्टेबल होंगी कि मैं इनको पहन पाऊँ। इसको लेकर मुझे है कि यार ये इतना है कि मैं मैनेज हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रिप की। ट्रिप पे परसों अपन निकल जाएंगे और इस बार जा रहे हैं अपन महाराष्ट्र। क्यों? क्योंकि मानसून थे और मानसून में महाराष्ट्र की खूबसूरती जहर हो जाती है। मैं एक्चुअली बिल्कुल पीक मानसून में नहीं जाना चाहता था, अब ये की रेंज थोड़ी हल्की हो गई है तो फिर अब जाने का सही टाइम है, इसलिए अब चलेंगे महाराष्ट्र और कोशिश करेंगे कि यार महाराष्ट्र इस तरीके से आपको दिखाए ना कि शायद आपने पहले कभी देखा ना हो। और आज अपन ने खूब सारे काम करने हैं, क्या क्या है वो बताता हूँ। सबसे पहला काम तो ये कि ये जो मेरी जैकेट है इसकी हो गई थी जिप खराब लद्दाख में, तो मैंने बिना इसके पूरा लद्दाख राइड किया था, तो इसकी तो जिप ठीक करानी है। और दूसरी चीज लेना मैं जैकेट भी चाहता था, लेकिन जो मेरे को इस पैंट के साथ कॉम्बिनेशन में जैकेट पसंद आई उसका भी कलर कॉम्बिनेशन यही था। मैं सोचा थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि और कलर्स में अच्छी जैकेट थोड़ी ज्यादा महंगी आ रही थी, तभी अपन इसी को अभी काम चलाएंगे। दूसरा होगा ये इसकी ब्रांडिंग, बोले तो दिल्ली टू लद्दाख की जगह दिल्ली टू महाराष्ट्र हो जाएगा। बाकी तीसरा बाइक की वॉबलिंग को लेकर टायर वगैरह चेंज कराने का सिस्टम बनता है तो वो भी करेंगे। और ये देखो ये जो चवन्नी सा दिख रहा है
है ना, ये एक्चुअल में माइक है। माइक बोले तो अंदर की साइड लग रखा है, वो थोड़ा सा बड़ा है इससे, काफी सही लगा। इसका जो फॉर्म फैक्टर है इतना छोटा है, इसको इजी टू कैरी है, ये इजी टू यूज है अपना मस्त। ये मैग्नेट है, मैग्नेट से माइक अटैच हो गया यहाँ पे, और उसका वायरलेस जो रिसीवर है वो मेरे फोन में लगा हुआ है। तो यार ओवरऑल जो है ना, ये मेरे को अभी तक तो अच्छा सेटअप लगा जितना भी मैंने इसको यूज किया पिछले एक हफ्ते में। इसकी चर्चा फिर किसी वीडियो में करेंगे, फिलहाल अपन ये दो तीन काम कराने के लिए चलते हैं। भाई साहब धूप हो रही है एकदम कड़क, अपनी गोरी गोरी बाहें काली कर देगी। अपने को कोई बढ़िया ड्राई फिट टी शर्ट नहीं मिल रही फुल स्लीव्स वाली। अभी यहाँ पे एक स्पोर्ट्स वाली दुकान है सैनमिक स्पोर्ट्स, काफी पुरानी है, वहाँ पे पता करता हूँ, मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो भैया चला लेंगे काम अपना। करीबन मैं जब चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स पे गया था तो मेरे साइज की नहीं थी वो, वहाँ पे अच्छी थी डायनॉक्स की, काफी कॉस्टली तो थी, काफी कॉस्टली मतलब वैसे अच्छे प्राइस में थी, 1500 रुपए में, वो मेरे साइज में नहीं मिली तो मैंने ली नहीं। सैनमिक स्पोर्ट्स सिंस 1988, कूल। ड्राई फिट फुल स्लीव टी शर्ट मिलेंगे क्या नीचे? ठीक भाई साहब, वैसे वो टी शर्ट बढ़िया है यार, शरीर की तो ना लंका ही लगी पड़ी है भाई। ये देखो ये फैट, इसका मतलब अब शरीर भी अपना ठीक करना पड़ेगा। सही है यार, ये अच्छी क्वालिटी की लगी, ये तो लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं इसकी ब्रांडिंग कराने बॉक्स के ऊपर। अब चलते हैं टायर का काम कराने, निरंकारी टायर। यार एक बार ना पीछे का टायर देख के बताना, क्या ये चेंज करने की वाली सिचुएशन में आ गया? बिल्कुल आ गया, ये देखो ना साइड है किसी के, सेंटर बाहर आ चुकी, सेंटर बाहर आ गया, बिल्कुल सेंटर। इनकी लाइफ कितनी होती है टायर की? 26,000। ये गाड़ी के साथ कितनी होती है? बस। अच्छा, और आगे वाला टायर जो है ना ये लगा हुआ है उल्टी डायरेक्शन में, बोलो ये जो एरो है ना ये पीछे को जा रहा है, तो ये भी अपने को रिवर्स करना है। ये तो ठीक है, ये तो आगे वाला का भी है, जान तो है, चल जाएगा। हाँ ये तो 8,000 किलोमीटर ही चला है अभी तो, तो आगे इतने कम घूमने होते। कौन सी कंपनी है? C8 का है, ग्रिप एक्सल के नाम से। 120/80/18 ये इसमें जो ओरिजिनल लगा हुआ है वो 130/70/18 है, ये हो गया 120/80/18। ओके, ये थोड़ा सा ऊंचा है। नहीं वैसे तो अच्छा लग रहा है देखने में तो यार, लाइफ भी मेरे ख्याल से बेटर होगी इसकी शायद। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 100 की स्पीड पे चलाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी? कैसे भी स्मूथ चलेगा टायर, स्मूथ चलेगा एकदम 100-110 तक बिल्कुल। यहाँ पे लिखा है ना 93 mph, 93 mph। और कोई भी ट्रिप ऐसा नहीं जाता जिसमें मेरे को वो एक अंकल है जो मेरे बैग्स वगैरह ठीक करके देते हैं, वहां तो मेरा एक चक्कर लगता ही लगता है। नमस्ते अंकल जी, एक तो ये बैग की ना चेन खराब हो गई है, वो करना है, और अंदर जैकेट है उसका करना है। इसी क्वालिटी की मिल जाएगी ना चेन? कितने की पड़ती है वो? 200 रुपये। हाँ ठीक है, चेंज कर दो, नहीं ट्रिप में दिक्कत हो जाती है। मैंने भाई साहब इनसे जनरल दुकानदार नहीं देखा, कहने का मतलब है कि जब भी मैं इनके पास आता हूँ ना, इनकी कोशिश ये रहती है कि ये मेरे को चेन वगैरह रिपेयर करके दे रहे हैं कुछ 15-20-50 रुपए के खर्चे में, जबकि मैंने आज खुद बोला है यार जैकेट की चेन चेंज ही कर दो आप, तो उसका खर्चा 200 रुपये बोल रहे हैं। लेकिन इनकी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि यार जितना सस्ता काम हो सके उतना बढ़िया है। पीछे वाला टायर तो हो गया सेट, भाई वैसे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, पर एक चैलेंज ये लग रहा है मुझे कि ये जो है इसका मटेरियल हल्का इस पर टच हो रहा है, हालांकि ये रबड़ का है तो इससे कोई खास तौर पर नहीं चलना चाहिए। टायर तो भाई जानदार लग रहा है, पिछले वाला टायर ना मेरे को MRF का यार वो पसंद आया नहीं था, बहुत जल्दी घिस गया और उसमें वॉबलिंग वगैरह का तो इशू रहती है। इसको देखने में सही डायरेक्शन में लगाया कि नहीं, ये रहा है, ये सही डायरेक्शन में जा रहा है, और इसकी भी डायरेक्शन एकदम अपसेट करा रहे हैं। चलो जी, टायर का मोटा काम हुआ, अब इसकी जरा ना वॉबलिंग वगैरह चेक करने चलते हैं। सबसे पहले हल्का सा जो मैं अभी बैठने में फर्क बताऊं तो बिल्कुल जरा सा मुझे फील हो रहा है कि हाँ यार पीछे की साइड से थोड़ी बाइक ऊंची हो गई है, बट दैट इज नेग्लिजिबल। ये देखो भैया लुक बड़ी सॉलिड आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैसे जो रियल टायर का साइज है ना वो 130 mm, 70 mm और 18 rim, इसका है 120 mm, बोले तो 1 cm कम हो गया। ये है 80 mm, इसका 70 की जगह 80 हो गया, तो ये थोड़ा बढ़ गया। रिम तो चेंज हो नहीं सकता, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा है, ये जो है ना मट लैप ये यहाँ पे टच हो रहा है, ऑल्दो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सॉलिड लग रहा है। ये जो टायर की शेप है ना, टायर का जो पूरा डिजाइन है, और इसको भी ठीक करा लिया। अब अपन चलते हैं इसकी वॉबलिंग टेस्ट करते हैं। ऑलराइट, तो आप करते हैं अपनी बाइक की वॉबलिंग का टेस्ट, और फिलहाल ये बता दो कि सिर्फ मैंने ये बैग टांग रखा है इसकी वजह से तो मेरे को नहीं लगता कि कोई खास इफेक्ट होना चाहिए। हाँ यार बाइक दौड़ाने में भी कॉन्फिडेंस आ रहा है अपना। 80 पे छोड़ते हैं अब हम हैंडल को। वॉबलिंग कूल,
कल मैंने 80 पे हैंडल छोड़ा था भाई साहब, एकदम थरथरा गई थी बाइक। दोबारा चेक करेंगे, दोबारा चेक करेंगे यार, ऐसी बात नहीं है। आ गए अपन 90 पे। ओ नाइस, ये नहीं यार वॉबलिंग नहीं है वो, ग्रेट। बोले तो टायर की वजह से वॉबलिंग हो रही थी। एक बार और करेंगे 80, 90, 100, जहां पे भी अपने को स्पेस मिल जाए उसके हिसाब से छोड़ने का। देखते हैं टायर चेंज होने के बाद भी इसमें वॉबलिंग हो रही है या नहीं हो रही, ये अभी हमें अपने फाइनल टेस्टिंग में पता चल जाएगा। मुझे बस 90 की स्पीड पे आ जाने दो फरीदाबाद वालों। 80 आ गए, 90 90, ये हुई हुई हुई, हल्का हुई हल्का हुई। 80 पे छोड़ें एक बार, अब तो हुई यार। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि एकदम से केयर फ्री होकर छोड़ देता हूँ ना, तब थोड़ा वॉबल करती है। अगर मैं इसको तहजीब से छोड़ता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे छोड़ें, हुई 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 हुई, ओके 70 तक ड्रॉप होते होते ना, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की है इसने वॉबल। 80 पे अब इसको छोड़ते हैं एक बार, नहीं 70 पे आ गए, अब तो खैर नहीं की। नाइन्टी आ गए, हुई हुई हुई, 80 से 70 के बीच में ड्रॉप होती हुई। हाँ तो यार इसका ना अभी मेरे पास तो कोई फिक्स आंसर ही नहीं है, कभी करती है कभी नहीं करती। मे बी द वे आई एम लीविंग दी हैंडल उस हिसाब से कभी वॉबल कर जाती है कभी नहीं करती, बट ये है कि टायर चेंज होने के बाद 80 से 70 के बीच में ड्रॉप होते हुए 3-4 बार वॉबल करके एकदम स्ट्रेट हो जाती है। तो प्रोबेबली हम जब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके बाइक को हैंडल छोड़ते हैं उस टाइम पे करती होगी वॉबल। टू आंसर योर क्वेश्चन, वॉबल करती है तो यार अभी तो सिचुएशन यही दिख रही है कि कुछ तो वॉबलिंग वाला है इसमें पंगा। बस इससे ज्यादा क्या टेस्टिंग करनी भैया, यही है। अब आपके सामने का सिनेरियो मैंने आपके सामने रख के दिखा दिया। बाकी ये कि टायर चेंज होने से यार मेरे को ये राइड करने का बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। पहले तो सिंगल हाथ जैसे ही मैं वो करता था ना, ऐसे हल्का हाथ रखता था तो भी वॉबल करती थी, जो अब नहीं कर रही। अब अपन शूटम शूटम मार्केट चल के बैग और जैकेट उठाते हैं और क्या अपनी पेटी उठाते हैं और चलते हैं घर।